सबसे पहला तो मैं खुद गुजराती हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं गुजराती जैन बोलता हूँ और मुझे गुजराती होने का गर्व है। और जैसे ही सर ने नाम बोला है, टाइटल बोला, तो मैं पहले दिन इनसे जुड़ गया। और गुजराती कम्युनिटी, आज मोदी जी भी गुजराती है, प्लस मेहनत में और लगन में और ईमानदारी में बहुत नंबर वन रहती है। लेकिन उनके ऊपर कोई जुल्म होता है तो लड़ने में भी अभी नंबर वन होएगी। इस तरह ये मैसेज है फिल्म का। तो ये कहना चाहेंगे कि क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि हिंदी में तो काफ़ी सपोर्ट किया ही आपने इतने सालों से, गुजराती में क्या बदलाव? जैसे छोटे बजट की फिल्म बनती थी गुजराती, अभी बड़े बजट की बनने लगी है, एब्रॉड में शूटिंग होने लगे हैं, बड़े बड़े स्टार कास्ट गुजराती में आने लगे हैं, तो सब रीजनल फिल्म अभी बड़ी बनती जा रही है क्योंकि हर कास्ट वाले वो उसके फिल्म को सपोर्ट करते हैं। सर आपसे हम लोग इंट्रोडक्शन ये बताइए, इस फिल्म से कैसे जुड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? एक्चुअली इनका नया क्लब चालू हो रहा है परसों, मेरे फ्रेंड है तो वो आज मेरे को मिलने आए थे, और प्लस उनको मैंने सजेस्ट किया कि फिल्म अच्छी है तो बोला मैं भी जुड़ता हूँ, उनको प्रपोजल देने का बाकी। लेकिन इनके क्लब क्या चालू हो रहा है परसों उसके बारे में बात करेंगे। योगेश भाई को शुभकामनाएं की जरूरत ही नहीं है, वो इतने बड़े और इतने फेमस है कि हमको उनके ब्लेसिंग्स का जरूरत पड़ता है। रेस्ट वो सबको बहुत सपोर्टिव रहे लाइफ लॉन्ग एंड सबके साथ हमेशा जुड़े रहे, एंड कभी उनको वो चीज़ का एटीट्यूड नहीं रहा कि ये सब चीज़ में कि मैं आई एम समथिंग वाला, एंड हमेशा सबको हेल्पफुल नेचर रहा उनका। प्लस आपको सब मीडिया को भी परसों आना है, इनके संडे के दिन क्लब का ओपनिंग। मेरे क्लब, मेरा नया क्लब ओपन हो रहा है बॉम्बे में, सबसे बड़ा क्लब हम ओपन कर रहे हैं वेनिशन नाम से, एंड बहुत अलग कॉन्सेप्ट से ओपन कर रहे हैं। परसों मीडिया लॉन्च भी रखी हमने, फिर हम आपको बुलाएंगे सर। हाय नमस्कार, मैं पूजा प्रजापति। गुजराती तो ऑलरेडी फेमस है, नरेंद्र मोदी थी लईने बधा ज, तो मूवी માટે તો કંઈ કહેવા જેવું જ નથી। હા, હું ગુજરાતી છું અને ગુજરાતી લોકો ઓલરેડી ફેમસ છે અને આખી દુનિયામાં એ લોકો પોતાનું નામ કરી જ રહ્યા છે, જેમ કે સરને જ જોઈ લો, તો હવે આગળ કંઈ કહેવા જેવું જ નથી। થેન્ક યુ સો મચ સર। એક બહુ બડે બિલ્ડર્સ હે? નહીં નહીં, ખૂબ બડે નહીં, અમાર કન્સ્ટ્રક્શન કા કામ હે। બેઝિકલી જબ ગુજરાતી કી બાત આતી હે તો પ્રાઉડ ફીલ કરતે હે। મનીષભાઈ ને યોગેશભાઈ ને કલ હી મુજે બોલા કે નારાયણ નામ कोई अच्छी गुजराती टॉपिक पे अच्छी मूवी बना रहे हैं जो हमारे समाज को लगते हुए है, तो मैंने इनका, जैसे ही इनका फ़ोन आया मैंने बोला अगर गुजराती के लिए तो मैं एक पैर पे खड़ा हूँ, और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए तन मन धन से हम देंगे। वो सब तो डायरेक्टर का काम है, हमारा काम तो फिल्म को प्रमोट करना, पब्लिसिटी करना, लोगों तक पहुँचाना, उसको माइलेज देना और उसको एक्सपोज करके मार्केट में मीडिया में लाना और पब्लिसिटी आउटडोर और जो भी मीडिया है उसके थ्रू ना, बाकी किसको लेना, किसको रखना, क्या करना, कितना फाइनेंस में बनाना बजट, वो सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम है। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। अगर मेरे को कोई रोल सूट हुआ तो जरूर करेगा और 100% मुझे बहुत खुशी होती है अगर अच्छा, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट सोशल एनजीओ वाला और अच्छा मैसेज वाला है, तो अगर मुझे मौका मिला तो जरूर करेगा। ऐसे मैंने एक्टिंग का कोर्स नहीं किया लेकिन अभी आप लोग को देख के, मीडिया को देख के मेरे को एक्टिंग करना आ गया। मेरे से जो जुड़ता है उसका ब्राइट फ्यूचर होता है। दिल से तो यही चाहते हैं मोदी जी आने चाहिए। नहीं एक्चुअली क्या, मैं सब पार्टी का बिजनेस करता हूँ, एक पार्टी का बोलेगा तो मुझे ट्रबल होएगा। मेरे पास बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, मन से, एनसीपी सबका ही पब्लिसिटी में करता हूँ। क्या है खतरा है सर? सवाल ही नहीं, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी और इतने स्ट्रांग है अपने जो सैनिक लोग हैं, चाइना, पाकिस्तान, कोई खतरा नहीं, क्योंकि अभी हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया है पैसे में, धंधे में, पॉलिटिक्स में, प्लस अपने सरहद में भी, तो आई डोंट थिंक एनी खतरा है। लोग अपने से डरने लगे वो खतरा है, उनको खतरा है। लाल पटेल है, मेरा नाम कुणाल पटेल है, मैं यहाँ पे बहुत बड़े एक इन्वेंट्री से आ रहा हूँ, बहुत बड़े क्लब लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, उसका नाम है, क्लब का नाम है द वेनिशियन। ये कॉन्सेप्ट है पूरा वेनिस के थीम पर, पूरा पैलेस बनाया हमने, एकमात्र ऐसा क्लब है, सबसे लार्जेस्ट क्लब है पूरे बॉम्बे का, एंड परसों आप सबको इन्वाइट भी रहेगी आने के लिए। क्लब का लोकेशन ये अंधेरी वेस्ट में है, एंड अंधेरी वेस्ट में आपको सिटी मॉल के सामने वाले लेन में, अपोजिट लेन में, एंड इट इज़ वेरी नियर बाय डिस्टेंस एंड बहुत प्राइम लोकेशन में हमारा क्लब है। ये क्लब पूरा पैलेशियल थीम बनाया गया है एंड क्लब
पहला एकमात्र ऐसा क्लब है जो आपको पैलेस का भी फील देगा और एक क्लब का भी फील देगा। क्लब के अंदर जो हमने टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ की है वो आज तक कहीं पूरे इंडिया ने भी यूज़ नहीं किए, एंड बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्केल्स में उसको बनाया गया, एंड बहुत बड़ा क्लब है ये। अप्रोक्स 10 से 15,000 स्क्वायर फुट का उसका कारपेट एरिया में हमने वो क्लब बनाया गया। ये क्लब का दूसरा स्पेशलिटी है कि बहुत सारे लोग एक साथ एट ए टाइम एक यूनिक स्टाइल से पार्टी कर सकते हैं, एंड उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स, वो अभी वो आपको मैं थोड़ी मिस्ट्रीज है वो मैं नहीं बता पाऊँगा कि वो आपको आके ही आपको देखनी होगी। इसके लिए सर हमें कंपटीशन से ज़्यादा मज़ा आता है, जितना ज़्यादा कंपटीशन हो उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है बिजनेस को। मेरे पास में मेरे नीचे क्लब्स है, बाजू में क्लब्स है, मेरे सराउंडिंग्स में कम से कम 18 से 20 क्लब है, पर जो कॉन्सेप्ट एंड जो यूनिकनेस मैं ला रहा हूँ शायद वो कोई और क्लब में नहीं है, तो उसका फ़ायदा मुझे हमेशा रहेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज से हमारे टाइज अप से, तो अभी उन लोग भी संडे को आएंगे, आप लोग को भी वेलकम रहेगा संडे को आने के लिए, फिर आप तभी आपको बता पाएंगे और कौन कौन आ रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेके हर आर्टिस्ट उत्साह में, बिकॉज फिल्म का टाइटल, सबसे पहले तो टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, जो बताता है, अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड अगर मैं गुजराती में बोलूँ तो बेटर है, इफ़ यू डोंट माइंड, या इंग्लिश बोलें या हिंदी बोलें, हिंदी। तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इस फिल्म के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, इसकी स्टोरी, टाइटल, और ये टाइटल को लेके मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज आप परदेश जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि जहाँ वसे एक गुजराती त्यां वसे गुजरात, जहाँ एक गुजराती जाके बसता है वहाँ पूरा गुजरात आके बसता है, और हर जगह गुजरातियों ने अपनी एक इम्पोर्टेंस बताई है, हर जगह अपनी एक अहमियत बताई है, अपना एक रुतबा बताया है, अपने आप को इस तरह सेटल किया है कि वहाँ के लोग परदेश में भी ये नहीं बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से निकलो। आज US जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उसकी इकोनॉमी में आपको गुजराती दिखेंगे, वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं गुजराती लोग। और इस फिल्म में जो टाइटल दिया है आपको, इसकी स्टोरी अगर हम बताएंगे तो पब्लिक को बाद में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि हम लोग बहुत, यानी इस फिल्म के अंदर अपनी जान डाल के एक एक कैरेक्टर में जुड़े हुए हैं, हर एक्टर, हर आर्टिस्ट, और आप लोगों को एक अच्छा एंटरटेनमेंट देंगे, मैसेज देंगे कि हूँ छू गुजराती, तो इसका मीनिंग क्या है, इसके पीछे का मैसेज क्या है। हूँ छू गुजराती ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है हम लोगों का। Good. हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी के बाद हम गुजराती है। अगर एक आदमी, जैसे विनोद भाई ने कहा, तो हमारे यहाँ कहावत भी है कि जहाँ जहाँ वसे एक गुजराती त्या सदा काल गुजरात। हम लोग जो ये प्रजा है, जो ये व्यापारी प्रजा है, शांतिप्रिय प्रजा है, झगड़ा कभी नहीं करते, पर अगर किसी ने झगड़ा करने की कोशिश की तो सब मिलके उसका सामना करते, वो भी दिमाग से, हाथा पैर नहीं, भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है ये, अच्छा चल ऐसा सोल्व कर दे, कर देते, तू भी खुश रहे हम भी खुश रहते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, मैं लंदन में 5 साल था, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके घर के बाहर गली के इलाके में अपने गुजराती भाई की दुकान है। प्राइम मिनिस्टर ने रेडियो पे, टीवी पे ये अनाउंस किया था कि रात को अगर मेरे घर पे कोई गेस्ट आता है तो वहाँ तो दुकान 6:30 बजे सब बंद करके चले जाते हैं, 10:30-11 बजे अगर मुझे कुछ चाहिए तो ये एक आदमी है जो मुझे हमेशा प्रोवाइड करता है, और वो आदमी गुजराती था और गुजराती है, आज तक वो वहाँ पर है, अभी भी उसकी दुकान है। तो हमारी प्रजा ये है कि 1 रुपया डालेंगे, 2 कमाएंगे तो उसमें से आधा निकाल के तीसरे भाई को बोलेंगे, भाई तू आ जा, सब मिल के काम करते हैं। तो शांति से रहें, और शांति से रहने का संदेश यही ये फिल्म का है।
हाँ जी, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारी रीते आगे बढ़ी रही है, बहुत सारी रीते सहकार मिली रो, लोग ने गमी पण रही है, जुदा जुदा विषयों पर बनी रही है। आज टाइटल से हाँ हूँ गुजराती छू, ये एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट है, એમાં સૂચવે છે। એટલે તમે જો એક જાણતા હો તો શાંતિથી એક વાત સમજાવું કે ગુજરાતી બહુ મિતભાષી છે। મિતભાષી એટલે મીઠી ભાષા બોલવાવાળા, એ મિત્રભાવ રાખે છે અને એમનામાં એક કળા છે જે દુશ્મનને પણ દોસ્ત બનાવી જાણે છે। ગુજરાતીઓમાં આ કળા વારસાગત છે અને ગુજરાતીઓને તમે ધ્યાનથી જોશો તો એક વાત લાગશે કે એ ડાયનોસરથી પણ વધારે ખતરનાક છે। ડાયનોસર નામનું એક પ્રાણી હતું જે આખા વિશ્વમાં આખા વિશ્વને ગમરોળતું હતું, પણ અત્યારે નથી। અત્યારે ડાયનોસરનું અસ્તિત્વ જ નથી। શા માટે? કેમ કે દુનિયામાં જે ફરક આવ્યો, જે ચેન્જીસ થયા, એને એડોપ્ટ ન કરી શક્યું, સ્વીકારી નહીં શક્યું, એમાં એ નાશ થઈ ગયો। જ્યારે ગુજરાતીમાં એ શક્તિ છે કે ગમે એવો બદલાવ હોય એ સ્વીકારી શકે છે, એને પચાવી શકે છે અને એમાંથી બહાર પોતાની પ્રગતિ કરી શકે છે। એટલા માટે હા હું ગુજરાતી છું। શું ગુજરાતી કહી ભી જાયેગા વો અપની અલગ પહેચાન બનાતા હૈ। આજ વિશ્વ મેં હર કન્ટ્રી મેં ગુજરાતી કા એક અલગ યે હૈ। રાજકરણ મેં ભી ગુજરાતી હૈ, વ્યાપાર મેં ભી હૈ, ઓર હર એક ફિલ્ડ મેં, કલા મેં ભી ગુજરાતી હૈ। કાફી અચ્છે અચ્છે એક્ટર્સ ગુજરાતી હૈ, તો ગુજરાતી કી અપની એક અલગ પહેચાન હૈ। और गुजराती कभी किसी को नमता नहीं है, मतलब किसी के आगे झुकता नहीं है, और गुजराती किसी को नरता भी नहीं है, लेकिन साथ में गुजराती जहाँ भी गुजराती है वो बहुत ही आगे है, और हर एक फील्ड में गुजराती ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, चाहे वो व्यापार हो, राजकारण हो या कोई भी फील्ड हो, कला के फील्ड में भी गुजराती बहुत है। तो हमें कहीं भी हम जाते हैं और कोई भी पूछता है कि भाई आप गुजराती हो, तो हम बड़े प्राउड के साथ कहते हैं कि हाँ हूँ गुजराती छूँ। तो ये गुजराती की अपनी अलग पहचान है और उसको गुजराती होने में बहुत ही प्राउड है। जी, आपने एक सवाल पूछा था कि सब्सिडी, टैक्स फ्री और ये, तो गवर्नमेंट ने गुजराती फिल्म्स के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम्स और नई निकाली है जिसमें सब्सिडी और बढ़ जाएगी। फिलहाल ए ग्रेड की सब्सिडी ऑलरेडी 50 लाख है, बी ग्रेड इज़ 25 लैक्स एंड सी ग्रेड इज़ 15 लैक्स, और टैक्स फ्री भी मिलता है फिल्मों को। सो अभी ये जो नई स्कीम आ रही आफ्टर मार्च, दैट इज़ वेरी गुड। उसके अंदर एनकरेजमेंट और ज़्यादा है, उसमें सब्सिडी और ज़्यादा है, जिससे प्रोड्यूसर अपनी 60-70% ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ सब्सिडी से निकाल लेगा। हाँ हूँ गुजराती छू, एम जे कीधु ने स्वाभिमान जी, आ टाइटल नहीं, आ दरेक गुजराती स्वाभिमान હું નહીં, અહીંયા બધા બેઠેલા સિનિયર એક્ટરો છે, હેમંતભાઈ, શરદભાઈ, સુરજભાઈ, આ લોકોએ આખી દુનિયામાં કામ કરેલું છે અને દરેક જગ્યાએ ગુજરાતી છે, એ યુએસએ હોય, એ યુકે હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, ન્યૂઝીલેન્ડ હોય, આફ્રિકા હોય, દુબઈ હોય, આ દરેક જગ્યાએ ગુજરાતી છે। એ લોકોએ બહુ સરસ ગુજરાતી તરીકે કામ કરેલું છે અને ત્યાંની પ્રજાએ પણ ગુજરાતીઓને સ્વીકારી લીધા છે પોતાની પ્રજાની જેમ। આ એ પ્રજા છે જેને આખી દુનિયા સ્વીકારે છે અને ગુજરાતી એની સાથે મળી જાય છે। સાહેબ, તમે આખી દુનિયામાં ક્યારેય એવું નહીં સાંભળ્યું હોય કે ગુજરાતીઓના કોઈ રમખાણ થયા હોય, ગુજરાતી કદાચ કોઈને બચાવી જાણે, કોઈને મારી નહીં જાણે, એટલો ઉચ્ચ છે અને એટલા માટે બોલવું પડે કે હા હું ગુજરાતી છું છું। सी गुजराती फिल्म का स्टेटस आप जानते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पेक्टेटर्स को अपने को थिएटर तक लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज करना है और कुछ फिल्में ऐसी बनानी है कि जैसे डिजिटल बने, जैसे लेटेस्ट माइनर मेथड से बने,
और मेन हीरो जैसे आप जानते हैं अच्छी से अच्छी फिल्म का मेन हीरो जो होता है वो होती है स्टोरी, स्टोरी पे भी ज़रा ध्यान दिया जाए। तो इसीलिए हमने सोच करके गुजराती, यस वी आर गुजराती, यस आई एम गुजराती, हाँ हूँ गुजराती छू, ऐसी फिल्म बनाने का एक सोच था जिसको हमने मूवी का रूप देने का कोशिश किया है। देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट, दूसरा अभी भी एक फिल्म दो दिन पहले आकर के गई, मेरे दोस्त राजेश भाई वो जा कर के आए थिएटर में, तो उनको 75 टिकट्स किसी दोस्त ने भेजा हुआ था, तो वो खाली 75 लोग ही थे थिएटर में, बिलीव मी। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आज जो स्पेक्टेटर्स है उनको थिएटर तक लाना अपना मूवी से, अपने सब्जेक्ट से, अपने एडवर्टाइजमेंट से, खास करके अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, सब्जेक्ट से इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा एक कोशिश मात्र है कि कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखावे कि जैसे कि स्पेक्टेटर्स थिएटर तक आवे और मूवी थिएटर में जा करके देखे। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कुछ कॉपरेशन चाहते हैं, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है मराठी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा चाहिए आपको जो मदद करेगा? देखिए मदद करने के लिए तो सभी तैयार है, सभी मदद करते ही है, इंडस्ट्री इज ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। खाली लोग ऐसे बातें करते हैं कि ये इंडस्ट्री में एक दूसरे को धक्का मारने से ये आदमी ऊपर आता है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं है। लेकिन वो लोग मदद करने को क्या मदद कर सकते हैं, आपके स्पेक्टेटर्स जो है, आपके दर्शक जो है वो थिएटर तक जावे, उसके लिए आपके पास में ऐसा स्टारकास्ट और ऐसा स्टोरी होना चाहिए, दैट इज़ अ बेसिक थिंग। शुभकामनाएं तो बिल्कुल घर की चीज़ है हमारी, तो आपकी लेंगे हम, देना तो दूसरी बात है, तो आप लोगों की शुभकामना हमको चाहिए। और मनीष भाई हमारे पिलर हैं, इन्होंने एक सपना देखा कि हमारे गुजराती कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो हम इन्होंने बोला मनीष भाई ने कि भाई नारायण हम सब साथ में जुड़ के करें, एक आदमी से कुछ काम नहीं होता है, जब हम साथ में जुड़ के एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और गुजराती समाज प्राउड ही कर रहे हैं, हम खुद भी गुजराती है तो करना भी चाहिए, तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे आगे बढ़े। हम तो यही चाहते हैं कि सब गुजराती एक हो जाए, जो मनीष भाई की शुभकामना है कि सब एक होके गुजरातियों को आगे इकट्ठा करें, और उसके लिए हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं जिससे लोग आके देखें और सब इकट्ठा होके सब गुजरातियों का एनरिचमेंट हो सके। सबसे पहले तो मनीष भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लेके गुजराती के लिए मूवी बना रहे और उसमें स्पेशल टाइटल है कि हाँ हूँ गुजराती छू, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड स्पेशली थैंक्स टू मनोज भाई ऑल्सो एंड वेरी कॉन्ग्रेट्स टू हिम ऑल्सो। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी गुजराती है उसे एक बार ये टाइटल के हिसाब से ये मूवी देखने जाना जरूरी है, तो हम फक्र से बोल सकते हैं कि हाँ हम गुजराती है और हम एक ही है पूरे कोई भी समाज में। तो सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है मनीष भाई को कि ये सब्जेक्ट चुना और ये टाइटल रखा। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियों में देख रहे हैं आपकी महाराष्ट्रियन नेता लोग या महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन मराठी फिल्मों को बहुत पॉपुलर करने की कोशिश कर रहा है, आज मराठी फिल्में पहले से ज़्यादा बन रही हैं, वैसे जो गुजराती बंधु साथ में मिलके जो ऐसा कोई स्टेप लेंगे और कल गुजराती कलाकार उभरेंगे तो इसमें से ये लोग दूसरे इंडस्ट्रियों में भी जा सकते हैं, बॉलीवुड में जा सकते हैं, टेलीवुड में जा सकते हैं, प्लस ये चीज़ को भी ऊपर लाएंगे और उन लोगों को एक काम करने का, और ऐसे लोग रहेंगे साथ में जुड़ने वाले लोग, सामाजिक लोग साथ में आके ऐसा कुछ सब्जेक्ट समाज के लिए रखेंगे तो उनके दिलों में भी जो कलाकार हैं उनके दिलों में भी बहुत कुछ करने की तमन्ना है और ऐसे सब्जेक्ट होंगे तो वो लोग और अच्छा करेंगे, और ऐसे सब्जेक्टों की वजह से लग रहा है कि लोग वापस थिएटर में आएंगे। और आप लोगों की भी शुभकामना इस पर चाहते हैं कि जिसमें आप प्रेस मीडिया सब सपोर्ट करेगा तो जिसके वजह से ये चीज़ वापस उभर के और निखर के आएगी और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री वापस निखरेगी। स्टेज पर हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन थोड़ा थिएटर्स में अच्छा कर जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाए। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और मनीष जी ने जो फिल्म प्रोड्यूस की उसके बारे में?
मनीष जी ने बहुत अच्छा कार्य शुरुआत की है। उनकी शुरुआत जियो एक सब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब गुजरातियों को एक साथ लेना चाहती है। उन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि ना जैन ना ये ना ब्राह्मीण ना वो, हम सब एक है, सब गुजराती एक छत के नीचे वो लेके आ रहे हैं। और आज की तारीख में जैसे महाराष्ट्रियन सिनेमा थिएटर अच्छा चल रहा है, ये सब चल रहा है, गुजराती थिएटर्स भी अच्छा चल रहा है, नए नए मूवीज आ रही है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं। गुजराती जहाँ जहाँ जाता है बिजनेसमैन है और कुछ कर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनमें मनीष भाई ने ऐसा कुछ करके दिखाया कि जो सारे गुजराती मिलके कुछ करें। अकेले आदमी तो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो सब मिलके आज मूवीज ने हर चीज में वो इतने आगे लेके आ रहे हैं, अच्छी चीज़ है। मनीष भाई को ये हिसाब से कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष भाई, और ये सब हीरोज जैसे बताया तो ये मूवी, हर मूवी गुजराती की अच्छी चलेगी, अच्छी आएगी। और मैं सोचता हूँ कि जैसे हिंदी पिक्चर 100 करोड़ 200 करोड़ जाता है, तो वैसे ये 200 करोड़ तक जानी चाहिए, ऐसी गुजराती मूवी है। सर, मैं इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर मनोज नथवानी हूँ, और बीइंग गुजराती, और मैंने काफ़ी गुजराती फिल्म की है, मुझे स्टेट अवार्ड्स भी मिले हैं। मनीष जी के साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मनीष जी एक बहुत बड़ी हस्ती है व्यापार जगत से भी, और उनको कला क्षेत्र में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। फिलहाल वो एक बहुत बड़ी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है, गुजराती एनरिचमेंट GEO के नाम से। तो काफ़ी मेंबर्स है गुजराती हमारे GEO से संलग्नित, तो गुजरातियों के आज गुजराती जो है वो नॉर्मली जैसे मजाक में बोलते गुज्जू भाई दाल भात खाए, इन गुजराती आप देखिए हर क्षेत्र में अपना एक बहुत अच्छा योगदान रहा है गुजरातियों का। तो इस कहानी के माध्यम से देखिए, फिल्म बनाते तो मनोरंजन होना ज़रूरी है, तो मनोरंजन का हमने पूरा ख्याल रखा है। और भी हम जानते हैं कि आजकल एडवांस जनरेशन है जो नेट वगैरह पे भी फिल्म देखती है, तो क्वालिटी ऑफ द फिल्म एंड स्टैंडर्ड ऑफ द फिल्म वो कंपेयर होता है। तो हमने काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स को इस फिल्म में लिया है, और ये फिल्म आप कह सकते हैं एक सेंट्रल कैरेक्टर जो है उसके आसपास काफ़ी बड़े बड़े कैरेक्टर जुड़े और कहानी को आगे ले जाते हैं। वो एंड में ये बोलता है कि हर गुजराती को एक मैसेज देता है कि हाँ हूँ गुजराती छू। मैं जीत उपेंद्र हूँ, और मैं एक्चुअली मनोज भाई के साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी फिल्में गुजरात में भी किए हुए, अभी हिंदी भी एक फ्लोर पर है। और फ्रेंकली बोलूँ तो मेरे को इतना भरोसा है इनके ऊपर कि आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो आई एम डूइंग द मूवी। अभी तक मैंने रोल डिस्कस भी नहीं किया है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑल आर प्रोजेक्ट्स हैव हैड वेरी गुड रिस्पॉन्स, सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद मनोज भाई। जी मेरा नाम धवन मेवाड़ा है। जैसे जीत भाई ने बताया, मैंने मनोज सर के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं गुजराती। ये फिल्म के बारे में बताऊँ तो ये इट्स अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुजराती कह सकते हैं कि आप कहीं पे भी देखो आपको गुजराती मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि गुजराती है तो आप किसी भी तरह उसको मतलब कम मान लो या ये है, वो पूरा बिजनेसमैन है, वो जहाँ पे भी जाएगा अपना काम कर लेगा और बिजनेस करेगा और सबके साथ जुड़ के काम करेगा। तो ये थॉट लेके आए कि हाँ हूँ गुजराती, तो मतलब कि हम है, हमारी एक पहचान है, कहीं पे भी आप रख लो, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी छोड़ दो, हम बाहर आएंगे और साथ में लेके आएंगे। दिस इज़ अ बेसिक आइडिया ऑफ दिस फिल्म, हाँ हूँ गुजराती। मनीष जी, मनीष माय हस्बैंड, उनको गुजराती पिक्चर में और उनका गुजराती के ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है। गुजराती वर्ड्स वो बहुत ही विलेज का होएगा, बम्बई का होएगा, लेकिन वो गुजराती के ऊपर उनका पकड़ ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हम लोग ने एक हमारी कंपनी भी लॉन्च की है, GEO गुजराती एनरिचमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर उन्होंने गुजराती के लिए सब करने को चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने किया है कि मैं एक पिक्चर बनाएंगे, और वो मनोज भाई का सपोर्ट है, और मनोज भाई कर रहे हैं, मनोज भाई और मनीष भाई साथ साथ में है,
बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि सब गुजराती लोग इकट्ठे होके साथ में रहे तो बहुत ही अच्छा है, तो गुजराती की एकता अपने को बनानी चाहिए। मनोज जी के साथ काफ़ी फिल्में किए और बहुत अच्छे पर्सन है, और इस फिल्म से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और इस फिल्म को लेकर ये कहना चाहूँगी कि गुजराती अगर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पर आज देश के हर एक कोने में गुजराती है, और गुजराती ने हर एक जगह पर कुछ कर दिखाया है, और कुछ कर दिखाने की चाह के साथ कुछ नया लेके आता है। और कभी भी कई बार भी जब कैम छो में जामा, वो हर एक अपनी एक जगह छोड़ जाता है ताकि वो गुजराती को याद रख सके। और गुजराती को कहा जाता है गुजराती छे धंधो जाणो छो, पछी एने भले बीजू कोई नॉलेज नथी, पण एने छेने डेवलपमेंट बहुत सारू कर्यू छे, एटले आजे हूँ गर्वथी कहूँ छू के हाँ हूँ गुजराती छू। ये सेकेंड फिल्म रहेगा मनोज सर के साथ, एंड प्लस ये डेब्यू फिल्म रहेगा गुजराती में। लाइक आई हैव नेवर डन एनी थिंग इन गुजराती, आई एम रियली प्राउड टू बी विद दिस प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा फील। मैं देना चाहता हूं और साथ में मनोज नथवानी जी को, और मनोज नथवानी बहुत हमारे पुराने दोस्त है, और कारगिल से कन्याकुमारी अभी जो हिंदी फिल्म बनी उसमें मेरे अच्छा काम किया है, उसने अच्छा रोल दिया था मेरे को, तो उसके लिए फिर से मनोज भाई को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूं और पूरी टीम को। और हाँ, मैं गुजराती हूँ, गुजराती छू, तो फिर से एक बार कहना चाहूँगा सबको कि रियल में हूँ गुजराती छू, और यह सुपर डुपर हिट होनी चाहिए फिल्म। और आप मीडिया, सतीश जी और पुनीत जी और सारे मीडिया का आभारी हूँ मैं कि हर वक्त कहीं ना कहीं आप मिलते हैं, हंसते रहते हैं, थैंक यू। हाँ हूँ गुजराती छू, ये टाइटल ज एटलू बधु गौरवपूर्ण है गुजराती माटे, एनी अंदर पहलू तो कन्फेशन है, हाँ यस आई एम गुजराती, ने गर्व भरेलू सेंटेन्स है, टाइटल ज गर्व भरेलू है। कोई पण गुजराती विश्व में खूणे खूणे गुजराती छे, एने गुजराती ने पोतानी जातने हूँ गुजराती छू एवं कबूलवानी जरूर नहीं होती, कारण के तरत ज उरखाई जाए छे, एनी वातचीत उपर थी, वर्तन उपर थी, वाणी उपर थी। पण आ टाइटल सुपर हिट कहीए एना करता विशेष हूँ कहूँ तो दिल चोट टाइटल छे आ गुजरातीओ माटे, गर्व अभिमान स्वाभिमान एमने व्यक्तित्व ए बधानी मिश्रण आ टाइटल नी अंदर आपेलू छे, ने आगरनी स्टोरी तो जे होय पण टाइटल ने ए सफर थाय एवी दरेक गुजरातीनी अंतःकरण पूर्वकनी आशा होय ज न थशे, એ નિશ્ચિત છે, થેન્ક યુ।